हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट सेक्रेड इंटरनेशनल. दिस इज सलोनी. सो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपको एग्जाम में जाने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लास्ट मिनट टिप्स बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर आईएलटीएस एग्जाम. अगर आपने मन बना लिया है कि आप आईएलटीएस का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आपने आईएलटीएस का एग्जाम फिल कर दिया है, सो दिस वीडियो इज गोना बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. सो अब हम बात करने वाले हैं कि लास्ट मिनट टिप्स में क्या क्या चीजें होंगी. आई मीन टू से कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगी, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है एंड कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी विच यू कैन इग्नोर, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी. एंड नॉट ओनली दिस, आई एम ऑल्सो गोना डिस्कस कि आपको अगर रीडिंग नहीं आ रही सो वॉट यू शुड डू इन द लास्ट मिनट, या फिर अगर आपकी लिस्निंग में कोई ट्रबल आ गई है, क्वेश्चंस छूट गए हैं, ये राइटिंग में समझ नहीं आ रहा है, क्या पहले करें क्या बाद में करें, स्पीकिंग में एग्जामिनर कैसा होगा, कैसे सिचुएशंस को टैकल करना है, वो क्या कहेगा, तो आपको क्या कहना है, एवरीथिंग आई एम गोना टेल इन दिस वीडियो. एंड इसके साथ साथ बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि मेरी स्पीकिंग पार्ट जीरो की वीडियो भी बनी हुई है जिसमें मैंने ये भी बताया हुआ है दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर द स्पीकिंग, सो आप पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री की तो प्रैक्टिस ऑलरेडी करके आए होते हैं, बट वॉट अबाउट पार्ट जीरो. सो उस वीडियो में मैंने पार्ट जीरो में बताया हुआ है कि अब एग्जामिनेशन हॉल में या फिर जब आप स्पीकिंग देने जाते हैं तो उसमें एंटर करने से पहले और पार्ट वन स्टार्ट एंटर करने के बाद और स्पीकिंग का पार्ट वन स्टार्ट होने से पहले जो आपको सारी चीजें उठना बैठना सब चीजों का ध्यान रखना, अपने बारे में कैसे इंट्रोडक्शन देना, वो सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है विद आंसर्स. सो यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन और माइट बी ऑन द आई बटन. सो आप जाके चेक करें कि उसका लिंक कहां है और उस वीडियो को भी जरूर देखें. So let's begin with our present video. Well, as you all know that hamari jo modules hame exam mein aate hai, that is in the form of LRWS. Matlab ki pehle listening aata hai, then comes reading, then comes writing, then comes speaking. So in the beginning I'm gonna tell you about the listening, ki jab hum listening module ke bare mein baat karne ja rahe hain to kaun kaun si cheezon ka aapko dhyan rakhna hai. So well, first of all when you prepare for the listening, jab aap listening aapko jaate hain aap wahan, aapko wahan listening milti hai, listening ka question paper seal hota hai. You cannot read the questions before it begin. जैसे ही वो शुरू होता है just break that seal open and start reading the questions. आपने questions पढ़ लिए सारे questions, I mean to say 1 to 10 तक questions पढ़ लिए आपने and आपकी listening start हो गई. Now what happens, हो सकता है कि आपके जो questions है वो बीच में से miss हो जाए, because what happens when the student appeared for the very first time, पहली बार होता है तो उसमें उसके mind में kind of nervousness होती है जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आता और starting question जो scoring होते हैं वही उसके मिस हो जाते हैं. सो आपको क्या करना है, यू नीड टू बी वेरी अलर्ट इन द बिगेनिंग. जैसे ही आपको पता चल गया कि हाँ एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट, तो आप क्या करें, अपने माइंड को कमांड दे, अपने माइंड को तैयार करें, स्टॉप ऑल द डिस्ट्रैक्शन, सब इधर उधर देखना, किसी से बातें करना बंद कर दो, यही बेस्ट मैथड है, आप अपनी स्कोर्स को बचा सकते हैं. वरना अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शन को ऑन रखेंगे, लोगों से बातें करेंगे, आस पास लोगों को देखेंगे, व्हाट शी इज वेयरिंग, व्हाट ही इज डूइंग, तो आप फर्स्ट पार्ट अपना नहीं कर पाएंगे जो कि बहुत ही स्कोरिंग होता है, वो आप मिस कर जाओगे. दूसरी बात जो आपको लिसनिंग में ध्यान रखनी है वो ये है कि फॉर इंस्टेंस आपकी लिसनिंग चल रही है एंड व्हाट हैपेंस इन बिटवीन, आपका जो हेडफोन है वो काम करना बंद कर जाता है. उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, द वन थिंग यू नीड टू डू एट दैट मोमेंट इज जस्ट स्टैंड अप और रेज योर हैंड एंड से कि दो, यू डोंट नीड टू से एनीथिंग, एक्चुअली वो आपको खड़े होते देख के ही आपको पता, उन्हें पता चल जाएगा देयर इज सम ट्रबल. बट आपको पहले ही जब लिसनिंग स्टार्ट होती है वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप क्या करें, अपने ऑडियो को, अपनी सॉरी अपने लिसनिंग के हेडफोन्स को चेक कर लें, वॉल्यूम सेट कर लें. आप उस टाइम पे सारी वॉल्यूम जो आपको जैसी आपके कानों को अच्छी लगती है वैसी सेट कर लें, हेडफोन्स को चेक कर लें आर दे वर्किंग प्रॉपरली, सारी चीज़ें चेक करके ही स्टार्ट करें. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, अगेन आई से रेज योर हैंड एंड स्टैंड अप, पहले भी चेक कर लें और अगर इन केस इन बिटवीन भी आती है जस्ट रेज योर हैंड और मे बी स्टैंड अप और उन्हें बताएं कि मुझे लिसनिंग में ये प्रॉब्लम आती है. एंड वन मोर थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, इफ यू डूइंग द लिसनिंग नो नीड टू वरी अबाउट द स्पेलिंग. सबसे पहले जब आप ऑडियो सुन रहे हैं इसके साथ साथ जो आप कर रहे हैं उसमें आपको स्पेलिंग्स का ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आप जो भी कर रहे हैं जस्ट कीप ऑन राइटिंग, बिकॉज यू शुड नो दैट यू विल गेट एक्स्ट्रा 10 मिनट्स टू ट्रांसफर योर आंसर. और अगर आपको 10 मिनट्स मिल रहे हैं तो दैट मीन्स यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर स्पेलिंग्स, आप उस 10 मिनट में अपने
स्पेलिंग्स के ऊपर काम कर सकते हैं। सो ये था सब कुछ लिसनिंग के बारे में, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे आएगी, वो सब आप उन्हें बता सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज रीडिंग। सो नाउ कम्स द रीडिंग मॉड्यूल। अब हम बात करने जा रहे हैं रीडिंग मॉड्यूल के बारे में। सो आफ्टर लिसनिंग ऑब्वियसली यू गोना प्रिपेयर फॉर द रीडिंग मॉड्यूल। और रीडिंग मॉड्यूल में क्या होता है कि बच्चे के माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है, वो ओवर स्ट्रेस हो जाता है, पता नहीं ये आंसर सही है, ये गलत है, ये क्या है, ये कैसे है। सो उस स्ट्रेस से बाहर आने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट पुट योर पेंसिल डाउन, अपना सब कुछ छोड़ दे, टेक अ 1 मिनट ब्रेक, एक लॉन्ग डीप ब्रेथ ले उसी 1 मिनट में, एंड थिंक अबाउट योर टारगेट, और अपने टारगेट के बारे में सोचे। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके माइंड से स्ट्रेस दूर हो जाएगी। एंड दूसरी चीज जो आपको करनी है अपने स्ट्रेस को डाइवर्ट करने के लिए, कि इफ यू आर नॉट गेटिंग 1 पैसेज तो आप उस पैसेज को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उस क्वेश्चन को मार्क कर ले जो आपको नहीं मिल रहा। कि जैसे मुझे लगता है कि 5th क्वेश्चन मुझे नहीं मिल रहा, एंड आई एम गोना मार्क कि ये 5th क्वेश्चन मुझे लग रहा है देयर इज अ डाउट कि वो बी पैराग्राफ में होगा, सो आई विल मार्क 5 at B paragraph और मैं अगले पैसेज में शिफ्ट कर जाऊंगी या अगले क्वेश्चन पर शिफ्ट कर जाऊंगी, क्योंकि चेंज ऑफ पैसेज इज अ काइंड ऑफ रेस्ट। बट हाँ, ये मत करना कि फर्स्ट पैसेज नहीं आया तो सेकंड पे स्विच हो गए, सेकंड नहीं आया तो थर्ड पे स्विच हो गए, बिकॉज इससे ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलने वाली हैं आपको। ओके, सो अब एक और चीज आपको करनी है कि जो हमारी ट्रांसफर शीट होती है जिसके ऊपर हमने ट्रांसफर होता है, वो ऐसे और ऐसे होती है। सपोज आपने यहां पे लिसनिंग ट्रांसफर की, दैट मीन्स कि आप यहां पे रीडिंग ट्रांसफर करेंगे। सो मेक श्योर कि आप अपनी शीट को टर्न जो है लिसनिंग की तरफ टर्न मत करें, मतलब आपकी शीट ऐसे होनी चाहिए। तो आपने ऐसे करके लिसनिंग के आंसर्स करेक्ट नहीं करने रीडिंग के मॉड्यूल के टाइम में, क्योंकि वो आपको फिर अगर पकड़ लेंगे तो देन इट कैन बी अ ट्रबल। तो आपको क्या करना है, सिर्फ रीडिंग को की शीट की तरफ ही अपना सब कुछ रखना है। एंड जब आप रीडिंग आंसर ट्रांसफर करें हैं, आई विल से कि आप क्या करें, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 पैसेज जस्ट ट्रांसफर दैट आंसर, क्योंकि अगर आप बाद में करेंगे हो सकता है बाद में यू नॉट गोना लेफ्ट विद 5 मिनट्स और एक्स्ट्रा मिनट्स कि आप ट्रांसफर कर सके। और एक चीज और जो आपको रीडिंग मॉड्यूल में ध्यान रखनी है, सपोज आई से मुझे 5th आंसर नहीं मिल रहा था, सो व्हाट विल आई डू कि मैं 5th आंसर पे आंसर शीट पे एक हैश बना दूंगी, एक ऐसा करके हाइफन सा बना दूंगी ताकि मुझे पता, कहीं मैं गलती से, क्योंकि वहां एग्जाम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, कहीं मैं गलती से 6th का आंसर 5th पे ना ट्रांसफर कर दूं, एंड व्हाट विल हैपन अगेन कि एक क्योस हो जाएगा और एग्जाम सारा ही मेरा रीडिंग का जो मॉड्यूल है वो स्पॉइल हो जाएगा अगर मैंने एक भी आंसर गलत ट्रांसफर कर दिया। एंड यस, वन मोर थिंग व्हिच यू शुड कीप इन योर माइंड कि आपको पानी का इंटेक थोड़ा कम करना है, बिकॉज सम पीपल लाइक पीपल हैव डिफरेंट बॉडीज, सबकी बॉडीज अलग अलग होती है, एंड कुछ बॉडीज ऐसी होती है इफ दे टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर या लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर भी लेते हैं वो, तो क्या होता है कि उनको दे पीपल हैव टू गो फॉर द लू, तो वहां पर आपको लू की फैसिलिटी तो ऑब्वियसली इन ड्यूरिंग द एग्जाम तो वो देंगे नहीं। सो आपको ध्यान रखना है कि पानी उतना ही पिए जितनी आपकी बॉडी आपको मतलब होल्ड कर सकती है, और यू डोंट नीड टू पी और आपको लू जाने की जरूरत ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट रीडिंग। सो चलते हैं अब राइटिंग मॉड्यूल्स के कुछ लास्ट मिनट टिप्स के ऊपर। सो वेल, राइटिंग मॉड्यूल में अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है वेदर वी शुड गो फॉर एसे फर्स्ट, वेदर वी शुड गो फॉर बायोग्राफ और मे बी द राइट लेटर फर्स्ट। मैं दोनों आइल्स की बात करने वाली हूँ, एकेडमिक आइल्स एज वेल एज जनरल आइल्स। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको सबसे पहले आई सजेस्ट गो फॉर द राइटिंग टास्क 2। Why? Because writing task 2 6 bands का होता है and writing task 1 3 bands का होता है, whether it is academic or whether it is general. And दूसरी चीज़ जो आपको writing module में ध्यान देनी है वो ये है कि if you are not left with the time तो आपको क्या करना चाहिए कि जल्दी से उस essay को या maybe task 1 को end up करने की कोशिश करें, incomplete ना छोड़े, क्योंकि incomplete अगर आप छोड़ेंगे तो उसके ज़्यादा bands कट होते हैं, बजाय कि अगर आप less number of words लिखते हैं और उसको जल्दी से खत्म करने की करते हैं। For example, मेरे पास 2 मिनट्स बचे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं राइटिंग टास्क 2 कैसे खत्म करूं या टास्क 1 कैसे खत्म करूं, सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली जंप टू द कंक्लूजन, मैं जल्दी से कंक्लूजन करूंगी और बात को खत्म करूंगी। होगा क्या, मेरे सिर्फ नंबर ऑफ वर्ड्स ही कम होंगे बट एटलीस्ट इनकम्प्लीट तो नहीं ना माना जाएगा। सो यही एक टिप है जो आपको राइटिंग में ध्यान देनी है। एंड एक और चीज जो आपको ध्यान देनी है राइटिंग में वो ये है कि इफ यू आर डूइंग द राइटिंग टास्क 2 और द टास्क 1, स्पेंड एटलीस्ट 5 मिनट्स और मे बी 4 to 5 मिनट्स आप उस पर स्पेंड करें उसको समझने में। काफ़ी बार ऐसा पाया गया कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जल्दी करते हैं, जल्दबाजी करते हैं अपनी राइटिंग को लेके, वो समझते अच्छा ओके फाइन ऐसा मैंने टास्क 2 किया हुआ है, बट वो ये नहीं सोचते कि वो राइटिंग टास्क 2 में फ़र्क हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ जो मेरी एक स्टूडेंट की थी, उसमें एक टॉपिक आया था जिसमें उसे बोला गया था कि ओबेसिटी अमंग पीपल, ठीक है, और मैंने थोड़े दिन पहले से टॉपिक कराया था ओबेसिटी अमंग चिल्ड्रन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो उसने क्या किया, उसे वही टॉपिक आइडिया था कि ओबेसिटी चिल्ड्रन में बढ़ रही
रही है, उसने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे टॉपिक पढ़े बिना ये सोचा वाओ मुझे तो वो टॉपिक आ गया जो मैंने थोड़े दिन पहले किया, और उसने ओबेसिटी इन चिल्ड्रन लिख दिया सारा पेपर में, बल्कि उसको लिखना चाहिए था ओबेसिटी अमंग पीपल। सो यही चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। मांगा कुछ और गया था, दिया उसने कुछ और, तो बैंस कहां से आएंगे? सो एटलीस्ट स्पेंड करें 4 to 5 minutes ऑन रीडिंग द टास्क 2 एंड द टास्क 1 एंड प्लस नोट्स बनाने के ऊपर ध्यान दें कि राइटिंग ऐसे के नोट्स कैसे बनाने हैं। इफ यू डोंट नो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के बताऊंगी कि आपको राइटिंग टास्क 2 के नोट्स या टास्क 1 के नोट्स कैसे बनाने चाहिए। सो अब चलते हम लोग स्पीकिंग मॉड्यूल की तरफ। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं स्पीकिंग मॉड्यूल के ऊपर, विच इज माई फेवरेट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के बारे में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले ये मॉड्यूल जो होता है एक सेपरेट डे होता है, इट इज नॉट कंडक्टेड विद द LRW, ये एक सेपरेट डे होता है, मे बी 1 week बिफोर मे बी 1 week आफ्टर। सो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है स्पीकिंग मॉड्यूल के टाइम पे वो ये है कि वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाएं। ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि हाँ यू नीड टू वेयर अ शर्ट, यू नीड टू वेयर पैंट्स, टक होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, नो। वो आपकी स्पीकिंग देखने के लिए वहां पे है, नॉट योर ड्रेसअप। बट ऑब्वियसली आई डोंट से कि ड्रेसअप होना बुरी बात है, आप ड्रेसअप जरूर हो, लेकिन ऐसे क्लोथ्स पहने, ऐसे कपड़े पहने जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है स्पीकिंग मॉड्यूल के टाइम में, दैट एग्जामिनर्स आर क्वाइट फ्रैंक, अच्छे होते हैं, बहुत नाइस होते हैं, सो डोंट गेट हेजिटेट फ्रॉम देम। जो आपको जो भी स्पीकिंग में कहना है उसको स्पीकिंग की तरह मत ले, उसको एज अ कन्वर्सेशन की तरह ले। थिंक यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन ऑफ 15 मिनट्स के लिए या 14 टू 15 मिनट्स के लिए आप उसके साथ बात कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्पीकिंग की नेक्स्ट टिप के बारे में, जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि ट्राई टू बी कंफर्टेबल। जब तक वो आपके पासपोर्ट की डिटेल्स लिख रहा है या लिख रही है, डू वन थिंग, जस्ट एडजस्ट योरसेल्फ टू द एनवायरनमेंट। जैसे कुछ लोगों को बड़ी आदत होती है, अच्छा उसने क्या पहना है, अच्छा रूम में ऐसे ऐसे है वैसे है। सो जो भी आपको करना है, जो आपकी हैबिट है, उसको उस टाइम पे कर ले जब तक वो आपके बारे में डिटेल लिख रही है या लिख रहा है। एंड यस, वन मोर थिंग, स्टार्ट लुकिंग कॉन्फिडेंट, अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाओ। जब तक आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे नहीं, योर फेस डजंट वर्क, एक्सप्रेशन नहीं दे रहे आप, आपको बैंस कैसे मिलेंगे? सपोज यू आर वेरी गुड एट इंग्लिश, आप बहुत अच्छी बोलते हैं, बट यू लैक कॉन्फिडेंट, तो आप बात नहीं कर पाओगे उससे। अगर आप उससे बात नहीं कर पाओगे, सो ऑब्वियसली यू नॉट गोना गेट दैट बैन विच यू डिजायर और विच यू डिजर्व। और एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी, सपोज यू आर नॉट गेटिंग द क्वेश्चन कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे, सो यू कैन से पार्डन प्लीज मैम, पार्डन प्लीज सर, आप पार्डन प्लीज बोल के उससे क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड करके फिर उसको आंसर दें। एंड एक जो ऐसी टिप मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट देने वाली हूं, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज को जरूर सुने, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे से उसने कोई क्वेश्चन पूछा, राइट, बींग अ स्टूडेंट मुझे वो उस क्वेश्चन को मैं समझा नहीं पाई। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो कहना चाहते हैं एग्जामिनर के सामने वो आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो व्हाट हैपन कि एग्जामिनर तो इतना अच्छा होगा नहीं कि वो आपको सेकंड चांस देगा। सो आपको सेकंड चांस खुद क्रिएट करना है, दिस इज माय पर्सनल टिप मैं आपको दे रही हूं। सेकंड चांस खुद कैसे क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मैं अपना आंसर नहीं बोल पाई, सो मैं आंसर दोबारा बोलना चाहती हूं, तो आप सिंपली जस्ट यूज द वर्ड्स इन अदर वर्ड्स या इन सिंपल वर्ड्स आई वॉन्ट टू से दैट, और अपना आंसर फिर से बोलना शुरू कर दो। अगर आप अपना बात क्लियर नहीं कर पाए, इन अदर वर्ड्स या इन सिंपल वर्ड्स बोल के अपना आंसर दोबारा बोलना शुरू कर दो। सो इससे ही आप अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली जो उनका टारगेट होता है कि आर यू एबल टू कन्वे द मैसेज टू द अदर पर्सन, या किसी को आप समझा पाते अपने मैसेज को, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सो ये चीज आपने स्पीकिंग में ध्यान रखनी है। एंड डोंट गेट नर्वस, आप सिर्फ लॉन्ग डीप ब्रेथ लें, क्वेश्चन को अच्छे से सुने, फिर उसका आंसर दें। डोंट रश, बिल्कुल भी जल्दी करने की जरूरत नहीं, दे आर वेरी नाइस पीपल, बहुत अच्छे होते हैं और वो आपसे बहुत कंफर्टेबली बात करते हैं, बट यू नीड टू बी कंफर्टेबल एट दैट मोमेंट। सो ये थी सारी टिप्स जो हम बात कर चुके हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग के बारे में, जो लास्ट मिनट टिप्स थी। एंड इन द कमिंग डेज आई एम गोना मेक सम मोर वीडियोस अबाउट सम सीक्रेट टिप्स ऑफ लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग सेपरेटली। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दैट व्हिच सेक्शन डू यू लाइक द बेस्ट, आपको कौन सी चीज बेस्ट लगी और आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, बाय बाय, सी यू, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।